बाढ़ के संत जोसेफ बालिका उच्च विद्यालय में पढ़ने वाली दो बेटियों ने विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में खेली जा रही पहली सीनियर राष्ट्रीय बीच ग्रैपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप के महिला वर्ग के 50 किलोग्राम वजन के नोगी स्पर्धा में बिहार की आंचल कुशवाहा ने दिल्ली की काजल कुमारी को 6-0 अंकों से पराजित कर स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने के बाद मंगलवार की सुबह जब बाहर रेलवे स्टेशन पर पटना मोकामा पैसेंजर ट्रेन से जैसे ही उतरी उसके स्वागत में बाढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर स्थानीय लोगों ने बाजे गाजे के साथ दोनों बेटियों का भव्य स्वागत किया। लोगों ने माला पहनकर स्वागत किया और एक जुलूस के शक्ल में सड़क मार्च करते हुए विद्यालय तक पहुंचा। इस दौरान लोगों ने बेटियों के लिए नारेबाजी भी की। खुले वाहन में दोनों खिलाड़ियों ने लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए विद्यालय तक पहुंची और वहां भी उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान समाज के कई प्रबुद्ध लोगों ने भी उनका सम्मान किया। बड़ी संख्या में लोगों ने घंटों इंतजार कर उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। दोनों बेटियों ने खुद का इस कदर स्वागत देखकर बेहद खुश नजर आई। बाद में गांव में भी दोनों बच्चों का स्वागत किया गया। राम 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 राम